और शिशुपाल की ट्रैकिंग जो आए हुए हो, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा रहता है शिशुपाल की ट्रैकिंग। गाइस पीलू की थोड़ी तबीयत पता नहीं अचानक ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा उल्टी किया, अभी यहाँ पर उल्टी किया ये, पता नहीं लड़का घर से निकला सही शॉट था, अचानक से ट्रैकिंग स्टार्ट किया, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश वेहोश नहीं हो गए थे। ओ भाई फर्स्ट टाइम हम लोग कैंपिंग करने वाले नाइट, वो भी ऐसे जगह पे, तो थोड़ा सा तो बस डर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई। गाइस हमारी किस्मत इतनी फूटी ना, क्या बोलते, देखो बारिश स्टार्ट हो गई ना, जैसे थोड़ा सा आराम कर रहे थे बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी हम लोग यहाँ पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारा ना आज इतना ज़्यादा सडनली मतलब एक प्लान बना और आ गया मेरा पुत्र योगी स्ट्रोलर, जी हाँ। और हम लोगों ने पता है कैसा प्लान बनाया कहीं जाने का बड़ा ही खतरनाक, मतलब ऐसे टाइमिंग में फिक्स हुआ प्लान, और हम लोग देख रहे हो इतना एक ही गाड़ी में जाएंगे। तो गाइज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, टाइटल से पता चल गया हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जी हाँ शिशुपाल में हम लोग करने वाले हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम नाइट कैंपिंग। तो गाइज बने रहिए ब्लॉग में, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और बैटरी को भी सेव करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों निकल पड़े थे फिर से जिंदगी के एक नए सफर में और अलग अंदाज में। यहाँ कुछ किलोमीटर पहले से ही शिशुपाल पर्वत का सुंदर नजारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स वो देख रहे हैं, जी यहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं, अभी हम लोग हैं गेर्रा में और यहाँ पे जितना भी सारा हम लोग सामान खरीद चुके हैं, जितना भी मतलब खाना पीने का सामान है सब पैक कर लिए हैं। अब थोड़ा सा ऑयल भूल गए थे तो लास्ट में फिर पीलू को हमने भेज दिया और दोनों यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हो, काफ़ी मतलब लेट हो रहा है और सनसेट भी होने वाला है कि फिर हम लोग ट्रैकिंग कैसे करेंगे, मतलब कर तो लेंगे बट हम आपको दिखाना है ना थोड़ा सा व्यू, तो इसीलिए थोड़ा हड़बड़ा रहे हैं। बट सडनली प्लान बना और वो रहा है शिशुपाल, सेकेंड टाइम मैं जाने वाला हूँ, तो बने रही है ब्लॉग में। और नाइट कैंपिंग होने वाली है तो यार फर्स्ट टाइम मजा आने वाला है। तो गाइज हम लोग पहुंच गए, फिलहाल अभी रोड पे हैं हम लोग, अब स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग और शाम ढलने वाली है, अब थोड़ी सी लाइट लो लाइट हो सकती है, हमको जल्दी पहुंचना पड़ेगा ऊपर। वो रहा गाइज देख सकते हो अब यहाँ ट्रैकिंग, इससे पहले मैं भी शिशुपाल आ चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन फिर लिंक मिल जाएगी। यहाँ का ट्रैकिंग करने में जो हालत बैंड हुई थी गाइज, उस टाइम मैं शूट में आया था अपने एल्बम की शूटिंग, मतलब कवर शूट में था, तो होता था मतलब ब्लॉग नहीं बना पाता, इसीलिए आज पूरे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं, थोड़ी सी धुकुर पुकर लग रहा है गाइज। और ये लोग हमारे भाई लोग योगी स्ट्रोलर, आज जो मेरा पुत्र वो भी यूट्यूबर है तो उसके चैनल में भी यहाँ का ब्लॉग देखने को मिल जाएगी। तो योगी हाँ? क्या कैसा करना है ट्रैकिंग, बस स्टार्ट करना है ट्रैकिंग, रेडी है ट्रैक के लिए? फिलहाल तो ठंडे ठंडे पानी से हमारा बहुत सामान दे सकते हैं, अभी पूरा पता नहीं कैसे पकड़े जाएंगे अभी। गाइस अभी समय हो रहे हैं 6:10 शाम को और हम अभी करने वाले ट्रैकिंग स्टार्ट, और देख सकते हैं यहाँ हम तीन बंदरों के अलावा और कोई नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा सुनसान है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग करने वाले यहाँ का नाइट कैंपिंग, और पता नहीं कौन कौन किए हैं कि नहीं किए हैं, बट एक बार मैं देखा था कि NSS कैंप और यहाँ पे किए थे। तो गाइस थोड़ी सी बैटरी को सेव करते हुए जाना, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ओनली वन पावर बैंक है, तो उसमें GoPro भी चार्ज करना है इसका और हमारे मोबाइल को भी, तो ज़्यादा हम लोग ट्रैकिंग वाले पार्ट्स को नहीं कर पाएंगे और बोझा पीढ़ा मतलब सामान इतने पकड़े हैं ना कि क्या ही बताएं। तो चलिए गाइस थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग के जो पार्ट्स हैं उनको एंजॉय करते हुए चलते हैं। शाम का समय और चिड़ियों की मधुर चहचहाट और हर तरफ पत्थरों से भरा यह रास्ता और चारों तरफ फैला हुआ यह घना जंगल, शिशुपाल पर्वत में ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं था। इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर चल पड़े आगे सफर की ओर। हे गाइस तो हम लोगों का ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुका है और सबके हाथों में, हालांकि ट्रैकिंग जगहों पे बोलते हैं ना कि थोड़े से कम सामान लेके आना चाहिए, लेकिन क्या करें गाइस, हमको नाइट कैंपिंग करनी है तो बैग में सामान तो होने जरूरी है। तो इतने बोझा को लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी शिशुपाल की ओर, फर्स्ट टाइम शाम के लगभग 6:15 हो रहे हैं, तो बिल्कुल व्लॉग को स्किप ना कीजिए क्योंकि आज का व्लॉग अभी तक के मेरे सबसे हर व्लॉग से डिफरेंट व्लॉग होने वाली है और एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। और आगे क्या होगा ये हमें कुछ खुद को नहीं पता, बस आए हैं कि यहाँ नाइट कैंपिंग करनी है और आप लोगों को करके दिखाना है। इन लोग फिलहाल अभी थक गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बस सनसेट का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि हमको ट्रैकिंग थोड़ी सी जैसे जैसे हम लोग सनसेट हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, तो
फिलहाल ये बैग दिख रहा है गाइस, काफी ज्यादा हैवी है ये। सब व्यवस्था है यहाँ पे, फ्रूट लेके आए, केला इन लोग थोड़ा सा नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो सोचा केला खा लो भाई, चढ़ जाओगे ये पूरा मरियल हो गया, पूरा मरियल हो गया। तो चलो एक आध केला खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस पीलू की थोड़ी तबीयत पता नहीं अचानक खराब हो गई, बहुत ज्यादा उल्टी किया अभी यहाँ, पूरा उल्टी किया ये। पता नहीं लड़का घर से निकला सही शॉट था, अचानक से ट्रैकिंग स्टार्ट किया, पता नहीं क्या हुआ, बेहोश वेहोश नहीं हो गए भाई, अरे मर मुर गया क्या भाई, उल्टी लग रहा है, तो उल्टी उल्टी लग रहा है, बोल रहा है यार। और ये ले, सब लेके चल रहे गाइस, तो इसको फिलहाल ये एनर्जी ड्रिंक पिलाता हूँ जो कि लेमन से, तो अच्छा लगे पीते टाटा का लेमन, चल पी पी पी। फर्स्ट टाइम पता नहीं इसको कैसा हो गया, तो हमेशा आता था, हमेशा घर से निकला सही शॉट था, गाड़ी चला गया लड़का, पता नहीं क्या हो गया। तो यार जल्दी पहुंचना भी है, योगेश हाँ। तो भी थोड़ा ले ले ड्रिंक ऊपर पी ले, ठीक हाँ। लगेगा यार, अच्छा नहीं लगता ट्रैकिंग करने आओ, फिर किसी का लगता हो जाए, कुछ नहीं है गाइस, अपने जवान लड़के हैं, मेरे मोबाइल से कॉल आ रहा है, हाँ ये ड्रिंक पी रहा है, फिर आगे की आता थोड़ा करते हैं, पर शाम ना हो जाए उसी का डर है घर में, मतलब नहीं जानते ऐसे काट के ये करना काट काम करना था। तो गाइस जब भी आप ट्रैकिंग करो, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास सफिशियंट वाटर होना चाहिए, और नॉर्मल वाटर के साथ साथ ना वो जितना हो सके ना लेमन या ऑरेंज रिलेटेड ना वाटर लेके आया, ग्लूकोंडी लेके आया करो, ज्यादा बेटर है, जो खासकर जो ट्रैकिंग करने में थोड़े से वो रहते हैं, जो जल्दी जल्दी सांस फूलती है, तो उन लोगों के लिए बेटर है कि आप ग्लूकोंडी वाटर लेके आए, बेटर रहेगा। तो गाइज हमको जाना है वहाँ, जी हाँ घुरा धार है ये, और मैं इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते जा रहा हूँ, बहुत जल्दी थक जा रहे हैं, बैग भी हैवी है। शिशुपाल की ट्रैकिंग जो आए हुए हो, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा रहता है शिशुपाल की ट्रैकिंग, योगेश मजा आ रहा है भाई, मजा आना चाहिए लाइफ में हर चीज का यार, मेरा फर्स्ट है यार, ये छोटा मोटा ट्रैकिंग है ये शिशुपाल, कुछ नहीं, हमको इंडिया में और ट्रैकिंग करना है फ्यूचर, कैसे योगी? यस। तो गाइस बने रहो, सफर जारी है ट्रैकिंग का, और थोड़ी देर बाद अब सनसेट होने वाला है, तो अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, तो जितना अभी लाइट है तब तक थोड़ा सा ब्लॉक कर लेता हूँ ट्रैकिंग वाला पार्ट। और हमारे आ रहे हैं, मैंने अपना पेंट भी रिमूव कर दिया, मैं शॉर्ट्स पहना हुआ नीचे, और अभी शर्ट भी रिमूव कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अभी गर्मी पसीने पर छूटने वाले हैं भाई, ओह माय गॉड। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, और मेरा नाक ना पूरा वो हो गया, कान पूरा बंद हो गया है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आ रहे हैं, और अभी लग समय हो रहे हैं 6:50, ये लोग थोड़े से धीरे चल रहे हैं, पीलू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़े से भगवान जी के यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, और थोड़ा दूर और बचा है, हो सकता है रात हो जाए पहुँचते वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए ब्लॉग में। भाई शाम के 6:50 हो गए, और जो यहाँ पे जो साइलेंट है ना, क्या ही मतलब, हो भाई फर्स्ट टाइम हम लोग कैंपिंग करने और नाइट हो भी ऐसे जगह पे, तो थोड़ा सा तो बस डर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई एक एक्सपीरियंस लेना चाहते थे लाइफ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट ही दे रहा है, अगर एक्सपीरियंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी तो आगे कुछ आपको अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। तो अचानक से माइंड पर आया कि चलो आज कैंपिंग किया जाए, तो बने रहिए देखते क्या होता है। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुँच गए शिशुपाल के ऊपर, और यहाँ तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा जी, अभी 7:20 हो रहे हैं, और देखो भाई थोड़ा दिखा देते हैं, बाकी सब कुछ आपको दिन में दिखेगा, अभी अंधेरा है कुछ नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हमारा इसको देखो कहाँ गया, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा चलते इसी नाम से हम लेट हुए चढ़ने में, इसके नाम से बहुत ज्यादा लेट हुए चढ़ने में, तो इसी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब हम लोग कैंपिंग के लिए जगह देखेंगे भाई, रात का समय है, हवा भी बहुत चल रहा है, भाई थोड़ी सी डर भी लग रही है, पानी देखो पानी वानी है यहाँ पे, अब फिलहाल टेंट कहाँ गाड़ेंगे, खाने पीने कहाँ बनाएंगे, सब यहाँ पे फिलहाल योगी टाइट पकड़ा है वो कर रहा है। हमारी किस्मत इतनी फूटी ना, क्या बोलते, देखो बारिश स्टार्ट होगी ना, जैसे थोड़ा सा आराम कर रहे थे बारिश स्टार्ट होगी, तो अभी हम लोग यहाँ पे टेंट यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी ना 3 वाले हैं, और हमें कुछ आहट सुनाई दी चलने की यहाँ पे, ओहो भी बिच्छू अभी जो बचा मुझा खाना है ना उसको खा रहा है, जानवर है। तो गाइज हम लोग ना यहाँ पे नाइट स्टे किए थे, हम लोग किया है नाइट कैंपिंग, तो कैसा रहा है एक्सपीरियंस, सब डिटेल्स में आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल